हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हनीसकल टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास सिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट राइटर। ओके, राइटर कौन है इसकी? एडवर्ड वेरल लुकास वॉज एन इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, एसिस्ट प्ले राइट, बायोग्राफर एंड पब्लिशर, पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एडिटर। बॉर्न टू अ क्वेकर फैमिली इन इथाम ऑन द फ्रिंग्स ऑफ लंदन, लुकास बिगन वर्क एट द एज ऑफ 16, अप्रिशिएटेड टू अ बुक सेलर। ये विकिपीडिया से लिया गया है। आप विकिपीडिया से इसके बारे में पूरा भी पढ़ सकते हो, इसकी बायोग्राफी वगैरह और इसके वर्क्स जो भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसे पढ़ सकते हो अपने आप से भी। ओके, ये कब बॉर्न हुए थे? जून 1865 में हुए थे, इथान में, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। डाइट कब हुए थे? 26 जून 1938 को। मैरिली बॉर्न लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? वेल्डन स्कूल में। ओके, इनकी नेशनलिटी थी इंग्लिश। सो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फिफ्थ है ये। ओके, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि राइटर इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हो? इफ़ यू डोंट, अगर यदि नहीं जानते हैं तो फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, तो आप क्या है इनकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। ओके, जैसे फर्स्ट है बैंडेज। बैंडेज मीन्स क्या होती है? पट्टी होती है। ओके, जैसे कभी हमें मोच आ जाती है, कुछ कट जाता है कहीं पे, तो क्या है वहाँ पर? बैंडेज लगाया जाता है। क्रच, क्रच मीन्स क्या होता है? बैसाखी। और क्रिपल, क्रिपल मीन्स क्या होता है? शरीर के जो मतलब शरीर में किसी भाग में कुछ कमजोरी होना या कमी होना किसी को, तो या शरीर को अपंग करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिपल कहते हैं। हॉनर, हॉनर मीन्स क्या होता है? सम्मान। मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य। सिस्टम, तरीका। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेसेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, तो क्या है आपको इस स्कूल में, इस स्कूल की पिक्चर को देखना है। जैसे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो इसने अपने आंखों में क्या पट्टी बांधी हुई। आप देखते होंगे यूजुअली हर स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है, देखो मुँह पट्टी बांधी हुई कोई इसे लेके जा रहा है, तो क्या है आप इस पिक्चर से आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके का स्कूल है, मतलब ये विद्यालय क्या है अन्य विद्यालयों से बिल्कुल किस प्रकार से अलग है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मैंने कुमारी बीम के विद्यालय के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, तो मगर क्या है उस समय तक मेरे को क्या है उस समय मगर उस समय तक जब तक क्या है मेरे पिछले सप्ताह जाने का अवसर नहीं मिल पड़ा था, मतलब वहाँ पे जाने का क्या है मुझे अवसर नहीं मिला था। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12, तो जब मैं वहाँ पर गया पहुँचा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन एक 12 साल की लड़की दिखाई दी। Her eyes were covered with bandages, तो जो उसकी आँखें थी वो क्या है बैंडेज पट्टी से कवर ढकी हुई थी। And she was being lead carefully between the flowers beds by a little boy, तो क्या है उसे क्या एक छोटा बच्चा फूलों की क्यारियों के बीच में सावधानी से ले जा रहा था। Who was about 4 years younger, वो कितने साल का था? लगभग 4 साल का था। She stopped and it looked like she asked him who had come, तो वो रुके और मुझे इस तरीके से लगा कि वो उसने क्या है उससे पूछा था कि कौन आया है, मतलब who had come, कौन आया है। Had he seemed to be describe me to her, और उसने क्या है वो मेरे बारे में उसे बताता हुआ मुझे लग रहा था, कैसे क्या वो मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। Then they passed on, और वो क्या है वहाँ से चले गए उसके बाद। थर्ड क्या है? मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सेप्टेड मिडिल एज फुल ऑफ अथॉरिटी, कुमारी बीम वैसी ही थी जैसे मैंने उम्मीद की थी, मतलब कैसी थी वो मिडिल एज की थी, वो मतलब मिडिल एज मतलब अधेड़ उम्र की थी और फुल अथॉरिटी मतलब पूरी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली थी, मतलब एंड येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और कैसी थी वो दयालु थी और समझने वाली थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और जो उसके हेयर थे वो क्या है बाल सफ़ेद होने लग गए थे क्योंकि वो क्या मिडिल एज की थी, मतलब
तो उसके बाल भी क्या है सफेद होने लगे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिंगर एंड दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू होमसिक चाइल्ड. तो उसकी क्या है गोल मोटोल सी आकृति थी. मतलब तो क्या है वो कैसी थी मतलब थोड़ी सी गोलू मोलू वाली होना प्लम्प फिंगर था उसका. मतलब गोलू मोलू मतलब ना ज्यादा मोटा ना पतला. तो उसका कैसा फिगर था प्लम्प फिगर था. दैट लाइकली टू बी कम्फर्टिंग होमसिक चाइल्ड. और उस मैंने क्या है उसके शिक्षण सिद्धांतों के बारे में कुछ उससे प्रश्न पूछने की. एंड आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन. मतलब मैंने क्या उस कुछ क्वेश्चन उससे पूछे मतलब अबाउट हर टीचिंग मेथड. जो उसकी टीचिंग मेथड थे मतलब सिद्धांत मेथड में जो सिद्धांत थे उसके पढ़ाने के जो सिद्धांत थे उसके बारे में मैंने पूछा था. विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. जो क्या है मैंने सुना था मतलब कि वे बहुत साधारण से थे जिनके बारे में मैंने पूछा था. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है. No more than is needed to help them to learn how to do things. इनको क्या है ये सिखाने के लिए और अधिक कुछ सहायता की जरूरत नहीं होती थी. Simple spelling, adding and subtracting. तो वो क्या सिखाते थे इस प्रकार से साधारण क्या है साधारण सिंपल सी स्पेलिंग सिखाते थे. मतलब जो स्पेलिंग होती है वर्ड्स मीनिंग होते हैं जो स्पेलिंग सिखाते थे. एडिंग मीन्स जोड़ना सिखाते थे एंड सब्सट्रैक्टिंग मीन्स घटाना सिखाते थे. और मल्टीप्लाइंग जो गुणा करना सिखाते थे. एंड राइटिंग और लिखना भी सीखे जिससे क्या वो लिखना सीखे. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स. और बाकी कार्य क्या है उनके पढ़कर किया जाता था. जो बाकी कार्य होते थे वो कैसे रीडिंग करके किए जाते थे पढ़कर किया जाता था. और जैसे क्या वो रुचिकर बनाते थे मतलब इंटरेस्टिंग बनाते थे. जो बातें करते थे वो क्या इंटरेस्टिंग होते थे. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड Keep their hands quiet. जब क्या है वो शांत मतलब जिसके दौरान क्या उनको क्या अवश्य ही शांत बैठना पड़ता था. और अपने हाथों को क्या रखते थे मतलब बिल्कुल अपने हाथों को शांत से बैठना होता था. मतलब अपने हाथों को भी उस दौरान हाथों को भी शांत रखना पड़ता था. मतलब जब उन्हें क्या है देयर आर अ प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स. यहाँ पर क्या है सिर्फ प्रैक्टिकली लेसन दिए जाते थे. प्रैक्टिकली मतलब करके देखना है. मतलब अगर अंधे अंधे है तो अंधे के बारे में अगर जानना है किताबों में पढ़ के हम उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं ले सकते. उसको क्या है अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे तो क्या हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि अंधा होने से क्या 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 फील होता है कैसा फील होता है. और अगर हम डंप है तो डंप वाली जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो क्या हमें ज़्यादा फील होगा कि हम अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पा रहे हमें जो बोलना है. अगर हम मतलब ये बहुत सारी एक्टिविटी क्या है जैसे एक हाथ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो अगर हम एक टांग से चलते तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. अगर एक हाथ हमारे फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये क्या बोल रहे हैं देयर आर अ प्रैक्टिकल नो अदर क्लास लेसन. तो यहाँ पे क्या है सिर्फ प्रैक्टिकली क्लास दी जाती थी. मतलब यहाँ पे जो व्यवहारिक जीवन में हमारे होते थे यहाँ पे क्या है दूसरा कोई पार्टी नहीं था. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट as to teach thoughtfulness, kindness to others and being a responsible citizen. Look out the window a minute, will you? तो इस विद्यालय में क्या वास्तविक उद्देश्य क्या था पढ़ाना नहीं था. Teach to thought as thoughtless. मतलब इस स्कूल का real aim, this school is not so much to teach thought. मतलब बहुत ज़्यादा विचारों को पढ़ाना नहीं था बल्कि क्या विचारशीलता को सिखाना था. मतलब thoughtfulness को क्या सिखाना था. और दूसरों के प्रति क्या है आपको दयालु बनाना था काइंडनेस. दूसरों के लिए क्या है आपके अंदर दयालुता आनी चाहिए. और एक क्या है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होना. और लुक आउट द विंडो एक मिनट के लिए क्या है खिड़की के बाहर देखें. और विल यू मतलब आप क्या देखेंगे मतलब अ मिनट मतलब विल यू आप क्या देखेंगे वहां पर. नेक्स्ट है सिक्स नंबर सिक्स. आई वेंट टू द विंडो Which overlooked a large garden. तो मैंने खिड़की के पास गया और जिसमें से क्या है मैंने बाहर दिख रहे कहीं बगीचे जो कैसे थे लार्ज थे. मतलब जो विंडो के बाहर थे क्या थे बड़े बगीचे थे. और उसके पीछे एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक. और उसके पीछे क्या था प्ले ग्राउंड था खेल का मैदान था. प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान था. What do you see? तो उसने पूछा आप क्या देख रहे हैं. मतलब कुमारी भीम ने पूछा आप क्या देख रहे हो. व्हाट डू यू सी मिस भीम आस्क. जो मिस भीम थी उसने आंसर पूछा कि आप क्या देख रहे हो.
यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है, अवेयर ऑफ दियर ड्यूटीज, मतलब अपनी ड्यूटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना. ओके सेवंथ, अब सेवंथ में क्या देखते हैं, आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स. उसने रिप्लाई किया, मैंने क्या है, एक बहुत सुंदर मैदान देख रहा हूँ. आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, और मैंने क्या है, बहुत सुंदर मैदान देखा और बहुत सारे पसंद, जो बहुत ही ज़्यादा पसंदीद बच्चे थे उनको देखा, मतलब मैदान में देख रही हूँ, मतलब बहुत सारे सुंदर सुंदर मैदान देख रहा हूँ, बहुत सारे जो पसंद बच्चे देख रहा हूँ मैं वहाँ पर. इट पेंस मी, और ये क्या है, मुझे तकलीफ होती है. इट पेंस मी, मतलब मुझे इससे तकलीफ होती है. थॉट, मतलब यद्यपि, to see that they are not also healthy and active looking. तो इससे क्या होने, वो बोल रही मुझे इससे तकलीफ हो रही है कि ये लोग क्या है, सब हेल्थी नहीं है, ये तो इतने स्वस्थ और सक्रिय दिखने वाले नहीं है. जब क्या है, I come in, जब मैं अंदर आया था तो मैंने उन्हें देखा था, कोई क्या है ब्लाइंड था, कोई लैम्प था, तो मैंने उन्हें देखी क्या है, तकलीफ में हूँ. जब मैं अंदर आया था मैंने देखा, I saw one poor little girl being led about. तो मैंने क्या, एक बेचारी छोटी सी बच्ची को लेता ले ले जा रहा था, मतलब उसे देख रहा था, मतलब जो क्या है लेड, जो अंदर को जा रही थी वो क्या है लेड थी, बींग अ लेड. एंड शी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, वो उसकी आंखों में कुछ समस्या थी. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और अब मैं क्या है दो और बच्चों को भी इसी परेशानी में देख रहा हूँ. एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. तो दूसरे बच्चे क्या है, मतलब वहाँ पर क्या है, उसने दो और बच्चों को भी इसी परेशानी में देख रहा था वो, कि वहाँ पर क्या है, ऐसी ही और क्या थे, दूसरी जो बैसाखी के सारे, मतलब जो छड़ी के सारे चल रहे थे, बैसाखी मतलब जो जिसके पैर वगैरह में फ्रैक्चर होता है वो उसके सारे चलती है, जो बैसाखी होती है क्रच में, जो बैसाखी होती है, बैसाखी सारे दूसरे बच्चों को खेलते हुए ध्यान से देख रही है, मतलब बिल्कुल वॉचिंग कर रही है वो अदर्स टू प्ले. एंड शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, तो वो क्या है, एक असहाय निराश दिख रही है, मतलब क्योंकि उसका जो शरीर है वो क्या है, अपंग है, मतलब उसका शरीर क्या है, अपंग सा दिखाई दे रहा है. मिस बीम लाफ्ड, जो मिस बीम होती है वो क्या है, हंसी, जोर से हंसी. ओ नो, तो वो आश्चर्य से कहती है, ओ नो, अरे नहीं. शी सेड, उसने कहा, शी इज़ नॉट रियली लैम्प, तो उसने क्या, वो वास्तव में क्या लैम्प नहीं है, मतलब वास्तव में अपंग नहीं है. दी अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और यहाँ तक कि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी क्या है, कोई अंधा नहीं है इसमें. इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, वो क्या है, उनका आज ब्लाइंड डे है, मतलब अंधा होने का दिन है उनका आज, कोई यहाँ पर क्या है ब्लाइंड नहीं है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, और मैं अवश्य ही बहुत क्या था, सरप्राइज, आश्चर्यचकित दिख रहा था. फोर शी लाफ्ड अगेन, और क्या है, जब वो क्या है, फिर से हंसी थी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, जो क्या है, मिस फॉर्चून के बारे में समझाने के लिए हम क्या है बच्चों को ये समझाते हैं कि मतलब मिस फॉर्चून, इसके गुण और गुण को पहचानने के लिए और इसको महत्व देने के लिए, जो क्या है, वी मेक देम शेयर टू मिस फॉर्चून टू ईच टर्म. एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे एंड वन लैम्प डे, और क्या है, इसे समझाने के लिए क्या करते हैं, वो एक दिन ब्लाइंड डे रखते हैं और एक दिन लैम्प डे रखते हैं, जो ये बच्चा क्या है, इसे इन सब चीज़ों के बारे में समझे, क्या प्रॉब्लम है. डीप डे रखते हैं, डीप डे मतलब जिस दिन बोल ना पाए वो, मतलब एंड बहरा बन जाए, एक दिन बहरा बनने का रखते हैं. एंड जो बहरा होता है, जैसे एक दिन क्या है, वो बहरा बनने के लिए रखते हैं. वन इंजर्ड डे, एक दिन क्या होता है, घायल बनने का डे होता है, हर बच्चे का ये टर्न आता है टर्न बाय टर्न. एंड वन डंप डे, ये क्या है, गूंगा होना, गूंगे का डे होता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, तो जिस दिन क्या है अंधा बनने वाला डे होता है, उस दिन क्या है, उसके फेस आंखों पे क्या है, पूरी तरीके से पट्टी बांध दी जाती है. और एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पिप, और वो क्या है, मतलब ये क्या है, उनसे कहा जाता है कि वो क्या है, मतलब अच्छे से, मतलब पूरा तरीके से उनके उनको आगे कहा जाता है कि वो क्या झांक ना सके, जो उनके आंखों पे ऐसी पट्टी बांध जाती है जैसे क्या, वो बाहर ना देख पाए बिल्कुल भी, मतलब रात को ही बांध दी जाती है, एट नाइट ही क्या है
ओवरनाइट मीन दी बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड। और पट्टी कब बांधी जाती है? रात में ही बांधी जाती है, जैसे कि उन्हें एहसास हो सुबह उठ के ये ना हो कि वो पूरी सारी चीज़ें देख लें, और तब उन्हें इसमें क्या ही मज़ा रह जाएगा, मतलब उन्हें कैसे फीलिंग आएगी अच्छे से अंधे होने की। तो क्या है, जो जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उस दिन रात को ही पट्टी बांधी जाती है उनकी आंखों पर, इस प्रकार से कि अंधे अंधे ही होते हुए क्या वो जागते हैं जब सुबह जागते हैं। सो दे वॉक ब्लाइंड, मतलब जब वो जागते हैं तो क्या है अंधे की तरह ही जागते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब है कि वो क्या है हर किसी काम के लिए सहायता की उन्हें क्या है जरूरत होगी। अदर्स चिल्ड्रंस की आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, और क्या है दूसरे बच्चे को क्या इसके कार्य दिया जाता है और उन्हें क्या इधर उधर ले जाना है, उन्हें लीड करना है। एंड दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और वे क्या सभी इस प्रकार से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो ब्लाइंड है वही सीखता है, बट बहुत द ब्लाइंड एंड दी हेल्पर्स, जो ब्लाइंड होता है वो भी सीखता है और जो हेल्पर्स होता है जिसकी ड्यूटी लगी रहती है उसको लीड करने के लिए वो भी, मतलब दोनों ही एक दूसरे से सीखते हैं। मतलब कैसे हेल्प करना, एक सीखता है कैसे हेल्प करना, एक को महसूस होता है कि मतलब क्या क्या डिफिकल्टी आती है जब क्या है हम ब्लाइंड होते हैं। ओके नेक्स्ट डे देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मतलब यहाँ पे क्या है मिस बीम्स कंटिन्यूड, जो कुमारी भीम का कहना जारी रखा और इसके बारे में क्या है कोई तकलीफ नहीं है, मतलब वो क्या करे इसके बारे में क्या है कोई तकलीफ नहीं है। देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट, मतलब इसके बारे में कोई भी तकलीफ नहीं है। एवरी वन इज वेरी काइंड, सब लोग कैसे दयालु हैं। एंड इट इज़ अ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, वास्तव में क्या है ये एक कुछ खेल की तरह है, जो जैसे गेम खेले जाते हैं स्कूल में उसकी तरह। मिसरी मतलब डिफिकल्टी, अनप्लेसेंटनेस मतलब तकलीफ होना, एंड थॉटलेस मीन्स केयरलेस। ओके तो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, तो वास्तव में क्या है ये कुछ एक खेल की तरह है जो क्या है कुछ दिन इस दिन के सप्ताह में होने पर होते हैं। ये क्या सबसे अधिक वे क्या है जो बेपरवाह बच्चे भी ये क्या है महसूस कर लेता है कि दुर्भाग्य क्या होता है, मिस फॉर्चून क्या होता है। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या होता है, उसके ऊपर क्या गुजरती है, जिस बच्चे के साथ ये सब चीज़ें होती है, ये सब ये लेसन सिर्फ उनको सिखाने के लिए है यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है इस क्लास में। ओके इलेवेंथ द ब्लाइंड डे इज ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट, तो क्या बोला अंधा बनकर अभिनय करने का दिन है अवश्य ही इससे अधिक खराब होता है। तो बोले रियली वर्स्ट मतलब वर्स्ट मतलब सबसे खराब है मतलब। बट सम ऑफ द चिल्ड्रंस टेल मी दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, तो बोले कि कुछ मगर कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि गूंगा बनकर अभिनय करना क्या है करने वाला जो दिवस होता है वो क्या सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस दिन हम किसी को अपनी बात नहीं कह पाते, जो हमें बोलना है जो हमें जो हम चाहते हैं बोलना चाहते हैं जो हम किसी से करवाना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते। तो कुछ बच्चे क्या कह रहे हो डम्ब डे सबसे खराब डे है। वी कांट बैंडेज द children's mouth so they really have a text really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो क्या हम बच्चों को क्या है बच्चों के मुंह को नहीं बांध सकते, हम बच्चों के मुंह को नहीं बांध सकते, इसलिए कि हमें उन्हें आवश्यक रूप से उनकी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि जैसे आइज है, आइज को तो बैंडेज बांध के क्या बंद किया जा सकता है, लेकिन जब माउथ को क्या बंद भी नहीं किया जाता है, इससे क्या है उनके विल पावर की एक्सरसाइज होती है। ओके कि मतलब हमें कब बोलना चाहिए कैसे बोलना चाहिए, हमें कहीं पर चुप भी रहना चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या है उसकी मतलब वो अपने जो उसकी इच्छा है उसको वो रोकने की कोशिश कर रहा है। तो बोले जो डम्ब डे होता है वो क्या है ऐसा होता है कि जिसमें क्या हमें अपनी विल पावर को एक्सरसाइज करने को मिलता है। एंड कम इनटू द गार्डन एंड सी योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रंस फील अबाउट इट, तो कहती है कि मतलब आप क्या बगीचे में आकर स्वयं ये देखिए और इसके बारे में कैसा महसूस करती है। मिस बेम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, तो बोलती है कि मिस बेम कुमारी बेम मुझे क्या है आँखों पर पट्टी बंधी हुई एक लड़की के पास ले गई। And here is a gentleman's come to talk to you. अब उसके पास क्या है एक जेंटलमैन आया, जेंटलमैन क्या आपसे बात करने के लिए आए हैं। Said Miss Beam and left us. और वो क्या है वहाँ से चली गई। नंबर 13. Don't you ever peep
तो क्या आप कभी तांका झांकी नहीं करते हो? मतलब तांका झांकी करना मतलब चुपचाप से देखने की कोशिश नहीं करते। आस्क द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, तो उसने कहा अरे नहीं। शी एक्सक्लेम्ड, मतलब वो उसने क्या है भाव भावेश में चिल्लाकर कहा, नो वे। शी एक्सक्लेम्ड दैट वी वुड चीटिंग, दैट वुड बी चीटिंग, मतलब ये धोखेबाजी होगी। मतलब वो लड़की कह रही है कि अगर मैं चीटिंग करूंगी क्या होगा, ये धोखेबाजी होगी, मतलब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बट आई हैड नो आइडिया, इट वॉज सो होपफुल टू बी ब्लाइंड। तो क्या कह रही है कि मगर मुझे क्या है ये पता नहीं था कि अंधा होना अत्यधिक क्या है बुरा, होपफुल मतलब बहुत ही बुरा है, मतलब अंधा होना। यू कांट सी अ थिंग्स, तुम क्या है मतलब कुछ आप क्या है कुछ भी वस्तु नहीं देख सकते हैं आप। ये यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग्स एवरी मोमेंट, तो आपको सिर्फ क्या महसूस होगा कि आप क्या हर मोमेंट में क्या है आपको किसी से भी टकरा सकते हो, आपको आपको किसी से भी चोट लग सकती है। इट इज अ सच अ रिलीफ जस्ट सिट डाउन, सिर्फ बैठना ही बिल्कुल क्या है सबसे आरामदायक होगा इसमें। और कुछ भी चीज़ें क्या है जब हमारी आंखें नहीं होती तो कुछ भी मतलब हम देख नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। जब हम कुछ खाते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या देख मतलब कुछ भी हमें सामने से नहीं देखते, कैसे हम चलते हैं। एक दिन आप अपने घर में ही ट्राई करो, आप अपने घर में ही ठुक जाओगे, कहीं पर भी आपको चोट लग सकती है। ओके, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर दीवार है, कहाँ पर हमें सीढ़ियों में चढ़ना है। ये सब चीज़ें क्या है अंधे होने पर फील होगा। ओके, फेयरली फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी वैन इट्स इज माई टर्न। तो क्या है ये उचित तरीके से मतलब मैं क्या है जब मेरी बारी होती है तो क्या है मैं ज़्यादा अच्छे से करती हूँ ये। मैं मतलब जब मेरी बारी आती है, जब मैं अंधे के लिए क्या हेल्पर्स बनती हूँ। एंड इट इज़ अ परफेक्टली गेस्टली नॉट टू बी सी, आई विश यू टू ट्राई। तो वो क्या है मेरी इच्छा है कि आप भी क्या है इसका प्रयास करो, मतलब इसको इस तरीके से क्या है जिस तरीके से मैंने क्या है मैं करती हूँ। मतलब वो क्या बोलना चाह रही है, जितने की मेरे पास मेरी जब बारी आती है तो क्या है मैं सावधानी से वे लोग जो मेरे से पहले मतलब जो मेरे से पहले ऑलरेडी ब्लाइंड का गेम खेल चुके हैं वो क्या ज़्यादा अच्छी हेल्प करेंगे। वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है, इट इज़ अ परफेक्टली गेस्टली, ये क्या है पूर्णतः अत्यंत अप्रिय है, मतलब नॉट टू सी, आई विश यू टू ट्राई, मैं क्या है मैं नहीं देख सकती, मेरी इच्छा है कि आप भी क्या है एक प्रयास करें। शैल आई लीड यू एनी वेयर, आई आस्क, क्या मैंने पूछा क्या मैं आपको कहीं कहीं पर भी ले जाऊं। तो 15 15 नंबर है। तो क्या उसने कहा ओ यस, अरे उसने कहा अरे हाँ। शी सेड, मतलब उसने कहा मतलब शी सेड अरे हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, हम क्या है थोड़ी देर घूम लेना चाहिए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप ही मुझे वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं। आई शैल बी सो ग्लैड वैन टूडे इज ओवर, और मैं आज का दिन जब पूरा हो जाएगा तो क्या है मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। दी अदर्स बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, अन्य दूसरे दिन इतने बुरे नहीं होंगे बल्कि क्या है ये आधे खराब होंगे जितना कि आज का उसका दिन था। मतलब आज का दिन क्या था उसका सबसे बेकार लगा उसे जब ब्लाइंड डे था। हैविंग अ लैग लेग टायर्ड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इन ऑलमोस्ट फन, तो उसे क्या लगता है जब उसका जो एक लंगड़ी एक टांग जब उसकी एक टांग से जब उसे चलना पड़ेगा वो क्या है बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि उस दिन क्या है उस दिन उसे क्या है जो बैसाखी होगी जो उसकी छड़ी होगी उसकी सहायता से क्या वो उछल कूद कर चलने जैसा वो अनुमान लगा रही है, वो गैस कर रही है। आई गैस मतलब मुझे मेरा अनुमान है कि उसमें क्या सिर्फ उछलना कूदना है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, तो जैसे वो लेकिन क्या है एक भाग जब बंधी हुई होगी तो वो क्या है थोड़ा उसे ट्रबलसम होगा, मतलब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उसे, क्योंकि आप बिना बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, तुम क्या है किसी और की सहायता के बिना खा भी नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डीप, और नहीं ना ही खा सकते या इसी प्रकार से अन्य कोई बात नहीं कर सकते, मैं इस प्रकार से ज़्यादा क्या है सोच भी नहीं सकती हूँ, मतलब इसकी इन सब चीज़ों के बारे में। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डीप फॉर अ डे एटलीस्ट नॉट मच, बोल रही है कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ एक दिन के लिए बहरा बनना कितना परेशानी का होगा, कम से कम ज़्यादा कष्टदायक नहीं होगा मतलब बहरा बनना। बट बींग अ ब्लाइंड इज सो फ्रैटनिंग, लेकिन बींग अ ब्लाइंड लेकिन अंधा बनना क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है फ्रैटनिंग, फ्रैटनिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक।
My head itches all the time just from worrying that I will get hurt. मेरा सिर दर्द करने लग जाता है, मतलब जिस समय क्या मेरा ब्लाइंड डे होता है, हर समय मेरे को ये चिंता बनी रहती है कि मुझे क्या चोट लग सकती है, क्योंकि मैं कहीं भी ठोकर खा सकती हूँ, गिर सकती हूँ. Where are we now? और अब उसने पूछा कि अब हम कहाँ पर हैं. In the playground, उसने रिप्लाई किया, हम क्या हैं, मैं खेल के मैदान पर है. I said, मैंने कहा, we were walking toward the house, Miss Beam. तो उसने कहा कि कुमारी भीम के हम बगीचे की बगीचे और मतलब हम क्या मकान की ओर बढ़ रहे हैं. टूवर्ड द हाउस मतलब हम क्या मकान की ओर बढ़ रहे हैं. मिस बीम, मिस बीम देखो यहाँ पे ब्लाइंड डे, ओके, इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. तो उसने कहा कुमारी भीम बगीचे में क्या एक लंबी लड़की के साथ ऊपर नीचे आ जा रही है. वट इज द गर्ल वेयरिंग. तो उसने उस लड़की ने क्या पहन रखा है. My little friend asked, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा उसने क्या पहन रखा है. A blue cotton skirt. तो जवाब देती है एक नीली कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है एंड पिंक ब्लाउज और एक है गुलाबी कलर का ब्लाउज पहना हुआ है. आई थिंक इट इज मीली. तो मैं सोचती हूँ कि ये कौन है, ये मीली है. शी सेड उसने कहा, वट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर कैसा है उसने पूछा उससे. वेरी लाइट. तो उसने क्या रिप्लाई किया, वेरी लाइट मतलब बहुत ही लाइट है, बहुत हल्का है. आई सेड यस दैट्स अ मीली, शी इज हेड गर्ल. तो मैंने कहा कि वो क्या है, वो हाँ वो मिली है, वो क्या है एक हेड गर्ल है, स्कूल की जैसे हेड गर्ल बनाई जाती है. ओके, देयर इज एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस आई सेड. तो मैंने कहा एक वृद्ध व्यक्ति है जो क्या है गुलाब की गांठों को क्या है बांध रहा है. टाइंग अप मतलब बांधना, गुलाब की जो गांठें उसको क्या है बांध रहा है. यस दैट्स पीटर. पीटर तो क्या कहती है, यस हाँ ये क्या है, कौन है, ये पीटर है. ही इज़ अ गार्डनर, ही इज़ अ हंड्रेड ऑफ ईयर ओल्ड, वो एक माली है, वो 100 साल की उम्र का है. एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ल हेयर. तो क्या बोल रही है, इस तरफ क्या है एक घुंघराले बालों वाली एक लड़की आ रही है. शी इज ऑन क्रेचेस. तो उसके पास क्या है एक क्रेचेस है, मतलब बैसाखियों पर चल रही है वो. एंड तो क्या कहती है, दैट्स अनीता. वो क्या बोलती है, वो अनीता है, उसने काशी सेड. 17 एंड सो वी वॉकड ऑन. तो क्या है वो, क्या ये क्या है, हम धीरे हम क्या चलते रहे. सो वी वॉकड हम चलते रहे ग्रेजुअली. आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. तो मैं क्या हम क्या धीरे धीरे से हम मैंने क्या ये जाना कि अब कि मैं क्या इस समय 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो चुकी हूँ, क्योंकि उस समय क्या है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है. मैंने ये महसूस किया कि यदि मुझे कभी लोगों को ये बताना पड़े कि कुछ वस्तुओं को किसी को मतलब किसी को बताना पड़े कि इससे अधिक आनंददायक रहेगा मतलब मुझे, क्योंकि जब हम ब्लाइंड हो जाते हैं हमारे कोई भी अगर हम आँख कान मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो दिमाग होता है वो ज़्यादा शार्प हो जाता है, मतलब क्योंकि वो ज़्यादा सोचने की कोशिश करता है, ज़्यादा रियलाइज करता है सिर्फ जो चीज़ों के बारे में कि हमारे आसपास क्या चल रहा होगा. तो अच्छे से आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड अ डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, तो क्या है यदि मुझे क्या कुछ लोगों को बताना पड़े कुछ वस्तुओं को मतलब कुछ वस्तुओं को बताना पड़े टू मी व्हेन आई फाइनली हैड टू लिव. तो क्या है मैं क्या है इसको मतलब आसानी से सब कुछ मतलब लोगों को क्या है बहुत अच्छे से इसको बता सकती हूँ मतलब इन सब चीज़ों के बारे में. और जब क्या है अंत में मैं जाने लगा. आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. मैंने कुमारी मिस से कहा कि मुझे यहाँ से जाते समय क्या है बहुत दुख हो रहा है. हाँ मतलब वो हाँ शी रिप्लाई मतलब उसने रिप्लाई किया, उसने क्या जवाब दिया. देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. तब उसने कहा क्या तब इसी प्रणाली में क्या है आखिरकार कुछ तो है मैं मतलब वो कह रही है मेरी जो एजुकेशन जो सिद्धांत है इसमें क्या है कुछ अलग है, सब जितने सा और स्कूल है वहाँ से क्या थोड़ा तो कुछ अलग है ना, मतलब जिससे क्या है सबको इंटरेस्ट आता है, सब प्रैक्टिकली सीख सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में. इट्स रिटन बाय ईवी लुकास. ओके ये क्या है एवरीगेड एवरीग्ड
एंड सिंप्लीफाइज, मतलब एसेट जैसे लिखी गई है, सिर्फ वर्ड्स को चेंज किया गया है, मीनिंग बिल्कुल सेम ही रखी गई है, जो राइटर के द्वारा जो लिखी गई है वैसी ही एक है यहाँ पर लिखी गई है सिंप्लीफाई करके. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. थैंक यू.